अब हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका बोर्ड एग्जाम से बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये आएंगे, जैसे करण अर्जुन आए थे उस बुढ़िया को पूरा यकीन था मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे मुझे भी पूरा यकीन है ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आएंगे, ठीक है। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है। सेट ए में कुछ और आएगा, सेट बी में कुछ और आएगा, लेकिन आएंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है सर आएंगे तो क्या आएंगे ये भी बताइए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टर के बारे में। हम लोग इस गेम में एनालाइज करेंगे कि कोई भी इंडक्टर, देखो आर एल सी, तो हम लोग तीनों के बिहेवियर को पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने आर के बिहेवियर को क्लियर किया, अब हम लोग बात करेंगे एल के बिहेवियर को। हम लोग इस गेम में एल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी भी इंडक्टर को एसी में ऑपरेट करते हैं, जरा फील करेंगे, जब हम किसी भी इंडक्टर को एसी में ऑपरेट करते हैं, फील करेंगे, जब हम किसी भी इंडक्टर को एसी में ऑपरेट करते हैं तो उस इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, क्लियर। और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम जब इंडक्टर को इंडिया में ऑपरेट करें और अमेरिका में ऑपरेट करें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, ध्यान से सुना, इंडिया में फ्रीक्वेंसी अलग है, अमेरिका में फ्रीक्वेंसी अलग है, तो क्या इंडक्टर की बिहेवियर में बदलाव आएगा या नहीं। हम लोग इन सारी चीजों को समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि क्या इंडक्टर रजिस्ट करता भी है या नहीं। बहुत सारी चीजों को हम लोग इस गेम में एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो सारे लोग प्लीज हो जाते यार, थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल पार्ट में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है बायो वाले लोगों के लिए, लेकिन मैथ वाले लोग समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, फाइनल जो कंक्लूजन है आपके हित में ही आएगा, मतलब इसका रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिक्स भी थोड़ा करेंगे ताकि चीजों को एनालाइज करें। तो चलो जरा देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि हमने एक इंडक्टर लिया, सपोज कर लीजिए, ठीक है। सपोज क्या करना, हम लोगों ने ले लिया और ये हमारा एक इंडक्टर है और इसको मैंने क्या किया, एक एसी सप्लाई लाइन से जोड़ दिया। फील करना, इस इंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, एक एसी सप्लाई लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। और इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो हमारी एल है। एल समझ में आ रहा है ना, एल इज बेसिकली द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर, ठीक है। ये हमारा इंडक्टर का एल है, मतलब इस इंडक्टर में अपोज करने की क्षमता है, एल जितना ज्यादा उतना ज्यादा ये अपोज कर सकता है, ठीक है। अच्छा बताओ, इंडक्टर किसको अपोज करता है, आई को या डी आई बाई डी टी को, ये पटाख से बताइए। इंडक्टर किसको अपोज करता है, आई को या डीआई बाई डी टी को, बहुत अच्छे। इंडक्टर अपोज करेगा डीआई बाई डी टी को, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा एक और बात बताइए, तो इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा या फिर डीसी करंट को अपोज करेगा, इंडक्टर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अपोज करेगा या डीसी वोल्टेज को अपोज, एसी को अपोज करेगा, बहुत अच्छे। क्योंकि एसी में क्या होगा, बार बार फ्लक्चुएशन होगा, है ना। और अगर एसी में बार बार फ्लक्चुएशन होगा, जरा फील कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, अगर एसी में बार बार फ्लक्चुएशन होगा तो ये समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लियर। अच्छा अब मान लीजिए कि हमारा एक वोल्टेज है यहाँ पे, फील करना रट्टा मत मानना, ये हमारा वोल्टेज है प्लस और ये माइनस। मान लो किसी भी इंस्टेंट में इसका वोल्टेज है वी, जबकि आप जानते हो ये किसी इंस्टेंट का वोल्टेज है वी, किसी इंस्टेंट की वोल्टेज है वी, तो किसी इंस्टेंट में वोल्टेज है वी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आ गया, अरे क्या ये बात सबको समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट में वोल्टेज है वी, तो देखिए ये हमारा प्लस ये माइनस। और मान लीजिए कि वोल्टेज के कारण यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, मान लेते हैं ये वोल्टेज हमारा जो सोर्स है पावरफुल है और ये क्या कर रहा है, करंट बढ़ाते जा रहा है, गज 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 गज, कॉन्स्टेंट करंट नहीं दे रहा, ध्यान दूंगे क्योंकि वी तो हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि कॉन्स्टेंट करंट के बजाय वेरिएबल करंट दे रहा है, ये वोल्टेज इतना पावरफुल है कि इसमें करंट लगातार चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे जनरेट हो जाएगा डी आई बाई डी टी, क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ। मैं यहाँ पे बात आई की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि इस वोल्टेज ने क्या किया, कांस्टेंट करंट के बजाय एक वेरिएबल करंट सप्लाई किया, तो उस वेरिएबल करंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी आई बाई डी टी से। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसने डी आई बाई डी टी करंट दिया, जरा फील करना, अगर इसने डी आई बाई डी टी करंट दिया तो बताइए ये भी तो अपोज करेगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो ये इंडक्टर क्या करेगा, अपोज करेगा, याद है ना। अगर ये करंट ऐसे बढ़ रहा है तो इंडक्टर इसको अपोज करेगा, क्या ये सबको फील आ गया। और अगर ये इंडक्टर अपोज करेगा तो ये कितना ईएमएफ दिखाएगा, एल डी आई बाई डी टी, बताइए हाउ मच इंडक्टर ईएमएफ, ठीक है, क्लियर, जनरेटेड बाय दैट इंडक्टर। तो देखो इंडक्टर ने भी यहाँ पे एक बैक ईएमएफ जनरेट करना शुरू कर दिया, बैक ईएमएफ किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा, अपोज करना शुरू कर दिया, क्लियर। अच्छा अगर मान लो कि डी आई बाई डी टी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी, क्या ये सबको फील आ गया, एक बार प्लीज ईमानदारी से बताइए। तो इंडक्टर ने जो वोल्टेज जनरेट करना शुरू कर दिया वो हम कहेंगे एल डी आई बाई डी टी, क्या ये सबको फील आ गया, प्लीज एक बार ये सर बोलिए, क्या ये सबको फील आ गया, क्या ये सबको फील आ गया,
एकदम ईमानदारी से बताइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे इस पूरे गेम में दो ही लोग हैं, एक हमारा सोर्स जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है और एक हमारा इंडक्टर, तो बताइए किसी भी इंस्टेंट टी में, किसी भी इंस्टेंट टी के लिए हम इसको लगभग कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट टी के लिए, ठीक है। तो अगर हम किसी भी इंस्टेंट टी में यहाँ पे केवीएल रूल लगा दे तो केवीएल रूल लगा सकते हैं कि नहीं? तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे केवीएल रूल लगाया प्यारे बच्चों किसी भी इंस्टेंट टी में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है? तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो देखो यहाँ से यहाँ गए तो प्लस बी है ना, यहाँ से यहाँ वोल्टेज बढ़ा तो प्लस बी, और यहाँ से यहाँ वोल्टेज घट गया तो माइनस एल जी आई बाई डी टी, मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं? तो देखो यहाँ से यहाँ जितना वोल्टेज बढ़ा यहाँ से यहाँ उतना ही वोल्टेज घटा, और चूंकि यहाँ पे दो ही बंदे हैं सोर्स और इंडक्टर, तो अगर सोर्स में वोल्टेज इधर से इधर बढ़ा है तो भी ऐसी बात है इंडक्टर में घटेगा। क्या ये बातें पीला गई, क्या ये बातें पीला गई? सो देखो ये हमारा केवीएल रूल है यहाँ पे, क्या क्लियर हो गया? सो देखो यहाँ से यहाँ वोल्टेज बढ़ा तो प्लस वी, और यहाँ से यहाँ वोल्टेज घटा तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। एकदम सबको फील आ गया, प्लीज ईमानदारी से बताइए क्या ये सबको समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंस्टेंट पे हमारा वोल्टेज वी था, जरा क्लियर करना आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे हमारा वोल्टेज वी था यहाँ पे भी वोल्टेज वी ही था, क्या ये बात समझ पाए? बस अंतर क्या था, ये वोल्टेज इधर था ये वोल्टेज इधर था, क्या ये बात सबको समझ पाए? तभी ना विद इन अ क्लोज लूप जीरो आएगा, तभी ना विद इन अ क्लोज लूप जीरो आएगा। अच्छा अगर ये सही है तो देखो मैं क्या लिखूंगा, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। क्या ये एक्सप्रेशन सबको फील आ गया? मतलब एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू वी के बराबर है, इसमें तो शक भी नहीं होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि अगर यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है, मान लो किसी भी इंस्टेंट टी में यहाँ की वोल्टेज 5 वोल्ट है तो यहाँ की भी वोल्टेज 5 वोल्ट ही होगी, एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, 5 वोल्ट ही होगी। क्या ये सबको फील आ गया? एकदम प्लीज फटाफट ये सर बोलते जाओ, क्या ये सबको फील आ गया? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट बोलते जाओ, अभी मजा आ जाए। सो डोंट टेक टेंशन। अच्छा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया था, देखो हमने क्या दिया था, वोल्टेज सोर्स, मुझे पता है कि वोल्टेज सोर्स जो है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया था और हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि करंट इंडक्टर किस तरह से इस वोल्टेज सोर्स में करंट को डेवलप करने में अपोज करता है, ये देखना चाहते हैं या करंट इस तरह इस सर्किट में किस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। मतलब जब हम इंडक्टर लगाएंगे तो करंट यहाँ पे किस तरह से वैरी करेगा, वोल्ट समझ में आ रहा है वोल्टेज के हिसाब से, क्लियर। हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं, मतलब हमने वोल्टेज लगा लिया, अब हम लोग करंट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि करंट यहाँ टाइम के साथ किस तरह से वैरी करता है, ठीक है। जैसे हमने रेजिस्टेंस में तो ऑब्जर्व किया था, हमने देखा कि अरे वोल्टेज जिस समय बढ़ रहा था करंट भी बढ़ रहा था, वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, वोल्टेज घट रहा है करंट घट रहा है, जहां वोल्टेज ही हो करंट ही, वहां से हमको एक बात तो फील आ गया था कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि वोल्टेज जिस समय मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, या फिर ऐसा हो रहा है कि वोल्टेज मैक्सिमम करंट मिनिमम, कुछ भी हो सकता है। हम लोग इसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने वोल्टेज दिया वी तो करंट का रिस्पांस कैसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ आई के एक्सप्रेशन पे, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, आई के एक्सप्रेशन पे, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ आई के एक्सप्रेशन पे तो बताइए मुझे आई निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा बताइए वी क्या है, वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट? फटाक से बताइए वी क्या है, वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है? फटाक से बताइए वी क्या है, वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है? वी हमारा वेरिएबल है, बहुत अच्छा। तो ये भी हमारा वेरिएबल है, तो बताइए इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे क्या करना होगा? तो देखो मैं लिखूंगा एल डी आई इज इक्वल टू वी डी टी, क्या मैंने ये सही लिखा या गलत? तो देखो ये डी टी इधर आ गया तो वी डी टी एल डी आई, क्लियर। और अगर मैं और चाहूं तो एल को मैं नीचे भी ले जा सकता हूं, क्या ये क्लियर? तो देखो मैं लिख सकता हूं डी आई इज इक्वल टू वी डी टी बाय एल, पूरा क्लियर हो गया। अगर मैंने ऐसा लिखा, जरा फील करना, अगर मैंने ऐसा लिखा डी आई इज इक्वल टू वी बाय एल डी टी, अब मैं दोनों को इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड हूं, अगर मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेट करता हूं देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सवाल, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे लिमिट क्या रखने की जरूरत है? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे? तो देखो इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, पहला बात तो ये आप जानो इंटीग्रेशन के दो टाइप है ना, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जिसमें आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। बताओ यहाँ पे लिमिट का कुछ पता है क्या? जरा सोचो तो ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, यहाँ समझ में ना, ये तो हाँ यहाँ पे लिमिट का कुछ पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे कौन से टेक्निक यूज करूंगा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, क्लियर। यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, समझ में आ रहा है ना, हाँ क्लियर, ये बातें फील आ रही है सबको? तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है,
ऐसा थोड़ी है कि वोल्टेज बेटा 0 से 2 सेकंड के लिए है, ऐसा थोड़ी है कि वोल्टेज बेटा 0 से 3 सेकंड, या वोल्टेज तो इनडेफिनिट टाइम के लिए चल रहा है, क्लियर। तो अच्छा ये बात अगर मैं समझ गया तो हमें इंटीग्रेशन करना है ना, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वी, ठीक है, तो वी को आप क्या लिखेंगे, तो इसी एक्सप्रेशन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, उसके बाद मैं फील कराऊंगा पहले मैथमेटिक्स। तो देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, क्या ये लिखूंगा वी के जगह, वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। आप कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों, मैं वी को टी के फंक्शन में ले आया ताकि मैं टाइम के साथ इंटीग्रेट कर पाऊं, क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब इंटीग्रेट करो तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, अच्छा वी नॉट बाई एल तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है भाई, अरे वी नॉट बाई एल बाहर आ जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट है ना, वी नॉट भी कॉन्स्टेंट है, ये तो मैक्सिमम वोल्टेज है जो फिक्स है और ये एल है जो फिक्स है। अब रहा साइन ओमेगा टी, जरा फील करना, अब बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, याद करो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, है ना, तो माइनस कॉस है ना ओमेगा टी, और चूंकि ओमेगा याद करो डिफरेंशिएशन होता था तो ओमेगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता था, और इंटीग्रेशन होगा तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा को मैंने नीचे कर दिया, ये बात सबको समझ में, अभी देखना फील आ जाएगा, डोंट टेक टेंशन। यहां पे देखो प्यारे बच्चों मैंने ओमेगा को नीचे कर दिया, क्या याद है, समझ में, एक एक बायो वाले लोग प्लीज थोड़ा सा पिन पॉइंट होकर इस एक्सप्रेशन को देखो, बायो वाले लोग प्लीज थोड़ा सा पिन पॉइंट होकर इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, ठीक है, पिन पॉइंट कंसंट्रेशन बनाओ इस एक्सप्रेशन पे, क्या सबको फील आ गया, यहां तक देख लो पहले, यहां तक देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहां तक तो कर लिया है ना, तो मैंने क्या किया साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया माइनस कॉस ओमेगा टी, और चूंकि इंटीग्रेशन में ये ओमेगा अटैच है तो वो नीचे चला जाए। अब जरा ध्यान से देखो, फील करना, अब यहां पे गड़बड़ होने वाला है, तो थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से देखना, आपको पूरा फील आ जाएगा। अच्छा एक बात बता, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी करते हैं, ये तो मैंने लिख दिया प्लस सी भी अटैच करते हैं, पता है प्लस सी भी अटैच करते हैं, ये बात पता है कि नहीं, जो लोग मैथ्स बायो वाले लोग आप स्किप कर दो, बायो वाले लोग सी को आप जीरो मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ्स वाले लोग को पता होना चाहिए बात, यहां पे हम लोग सी भी लिखते हैं, क्लियर, कॉन्स्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है, ये सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मुझे मैथ्स वाले लोग फील करके बताओ ये सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फील भी कराना है, खाली वैल्यू बोलने से 1 0, अच्छा सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, इस पे हम लोग लास्ट में चर्चा में जब आज समय बचेगा तब हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है, जब समय बचेगा तो हम सी पे एकदम जम के बात करेंगे, सी की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए, 0। अच्छा कैसे पता चला आपको सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पीयूष बाबा कैन यू एक्सप्लेन, आपको ये बात कैसे पता, नहीं पता सर। हाँ तो तुमने तो लिखा सी इज इक्वल टू 0, अच्छा अनिश का अच्छा लग रहा था 0, अच्छा 0 अच्छा लग रहा था इसीलिए, आना बोल रहे इन फेज, ना इन फेज से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी तो एक वैल्यू है ना, और कोई है ना, जबरदस्त चीज बेटा, मतलब तुम मैथ्स में सी पढ़ते हो उसका अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं, मान लो ये मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने तुम्हें दे दिया और मैंने तुम्हें बोला अच्छा चलो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, तो मैथ्स में सी पढ़ते हो किस लिए पढ़ते हो, चार डालने के लिए सी पढ़ते हो क्या, यही तो प्रॉब्लम है इंडिया का, जब भी कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन आप देखते हो क्या आप उसको फील करने की कोशिश करते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ दैट सी इन दैट इक्वेशन, वो सी क्यों आता है, वो सी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, सर हम बोल रहे हैं, हाँ बोलो सर, देखिए यहाँ क्या लिखा है माइनस बी नॉट ओमेगा एल है ना, तो अभी मैं फिलहाल इस सी को 0 मान के चलता हूं, ठीक है, इसके बारे में मैं लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा लास्ट में, अभी मेरा मेन फोकस कहीं और है, क्लियर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, तो सी इक्वल टू 0 ही अभी हमने मान लिया, अगर तो सर कैसे हो गया 0, वो लास्ट में, क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बायो वाले लोग आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, आप बस याद रखिए। अब यहाँ पे एक बड़ा खास बात है, ये हमारा करंट आ गया, लेकिन एक समस्या है, जरा ध्यान से देखो करंट का जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, तो करंट का एक्सप्रेशन आया वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अब बताओ क्या इस एक्सप्रेशन के साथ हम जस्टिफिकेशन कर सकते हैं वोल्टेज के साथ, क्या हम करंट को वोल्टेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के हेल्प से, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन कॉस में है और करंट वोल्टेज वाला एक्सप्रेशन साइन में है, हमने जो वोल्टेज दिया था, या तो अगर दो चीजों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, फेजर डायग्राम को कंपेयर करना है, तो दोनों को सेम फंक्शन में लाना होगा, याद करो साइन में या कॉस में, याद करो साइन वाले को सारे को साइन में ले आओ या सारे को कॉस में ले जाओ, क्या याद आ रही है सारी बातें,
क्या याद आ रही है सारी बातें? प्लीज एक बार यस सर बोलिए, क्या याद आ रही है सारी बातें? तो अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहता हूं कि करंट वोल्टेज से किस मामले में आगे है पीछे है। तो अगर देखो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, ये एक्सप्रेशन सही है रे बाबा, ये एक्सप्रेशन 100% सही है। लेकिन इस एक्सप्रेशन के साथ चिंता वाली बात क्या है? इस एक्सप्रेशन के साथ चिंता वाली बात यह है कि अगर मैं वोल्टेज और करंट को कंपेयर करना चाहूं, दोनों को साथ रखकर कंपेयर करना चाहूं कि क्या अंतर बैठ रहा है, तो मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर कंपेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर सकता हूं। ये ऐसा ही लगेगा जैसे एक दो मैप देख रहा हूं, इंडिया का मैप, इंडिया के दो मैप देख रहा हूं, लेकिन एक इंडियन लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में देख रहा हूं, तो ऐसा ही लगेगा है दोनों एक ही चीज, लेकिन कंपेयर करने में दिक्कत होगा दोनों मैप में। क्लियर मैं क्या कहना चाहूं? है दोनों एक ही चीज, समझने की कोशिश करो। तो मैं क्यों ना कंपैरिजन करने में थोड़ा सा आसानी कर दूं, तो मैं इसको एक अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा। और कॉस का लैंग्वेज मुझे, हम लोगों को उतना फिट नहीं बैठता, साइन हमारे लाइफ में ज्यादा बार आता है, पहले साइन आता है देन कॉस, तो क्यों ना हम इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। लेकिन एक समस्या है बेटा, बार बार याद रखना, मैंने बार बार बोला कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हमेशा आसान है। मैंने क्या बताया था याद करो, कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अरे याद करो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था कॉस को कैसे साइन में कन्वर्ट करते हैं? सबको याद है क्या वो एक्सप्रेशन? याद है कॉस को कैसे साइन में कन्वर्ट करते हैं? तो याद आ रहा है ना? तो मैंने बताया था कि सिर्फ पाई बाई टू जोड़ देना है, पाई बाई टू जोड़ देना है। लेकिन यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते, बताओ यहां पर हम लोग को दिक्कत कौन दे रहा है? यहां पे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? याद आ रहा है सबको? यहां पे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये माइनस साइन के कारण, ये बेटा नेगेटिव साइन मुंह उठा के आ गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन हम यहां पे ऐसी गलती नहीं कर सकते। अब एक चीज याद रखना, कॉस थीटा के दो फॉर्मूला, प्लीज लिखना मत, कॉस ओमेगा टी के दो फॉर्मूला लिख सकते हो आप। कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो? तो याद रखना साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, आप ये भी लिख सकते हो। और आप क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। याद करो मैंने ये वाला बताया था कि आप अगर कॉस को साइन में बदलना चाहते हो तो क्या करना है, ओमेगा टी लिखिए और पाई बाई टू जोड़ दीजिए। मैं ये बात मानता हूं कि मैंने बताया था, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुमने यहां पे कॉस को इस फॉर्मूले में लिखा तो उसके बाद क्या होगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा। अरे उसके बाद क्या होगा, माइनस अंदर चला जाएगा। और जैसे ही माइनस अंदर जाएगा, जरा फील करो, इसको भी निगेटिव बना देगा और इसको निगेटिव बनाएगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं था, लेकिन ओमेगा को निगेटिव बना देगा, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। समझो बात को, ओमेगा को निगेटिव बना देगा, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तब हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज का एक्सप्रेशन प्लस ओमेगा में दिखेगा और करंट का एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा में दिखेगा। क्या अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? याद करो मैंने बार बार बोला था ओमेगा सेम होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा का क्या मतलब बनता है? कोई लॉजिकली मुझे बता सकता? मान लो सर्कुलर मोशन में मैंने बोला एक बॉडी के पास प्लस ओमेगा है और एक बॉडी के पास माइनस ओमेगा है, क्या फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा? एक बॉडी के पास प्लस ओमेगा है, एक बॉडी के पास माइनस ओमेगा है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हो, जरा सोचो फील करना, अगर दोनों के पास प्लस है तो दोनों एक जैसा घूमेगा, दोनों के पास प्लस है तो दोनों एक जैसा घूमेगा, या दोनों के पास माइनस है तो दोनों एक जैसा घूमेगा, वो अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है तो दोनों अपोजिट में घूमेगा, ऐसे। क्या ये बात समझ? और देखो फेज भी बदल रहा है, क्या ये बातें समझ में आई? मतलब यहां पर समस्या क्या है? अब बोलो पूरा पील आ गया क्या? तो अगर आपने, ठीक है, मान लो कि आपने इस फॉर्मूले का सहारा ले लिया, कॉस ओमेगा टी की जगह आपने रख दिया साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है? इतना डेप्थ में आपको कोई नहीं बताना है, सब लोग बोलेंगे ये लिख दो, लेकिन मैं आपको पूरा एक एक चीज समझा रहा हूं क्यों ऐसे लिखते हैं। ये नहीं बेटा जब मन किया मुंह उठा के लिख दिए, ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने ये लिख दिया, ये आपका चर्चित है, ये ज्यादातर लोग आपको समझा देते हैं, ऐसे याद रखना, ये तब लिखते हैं जब, देखो तो एक चीज याद रखना, ये माइनस कॉस ओमेगा टी, तो अगर जरा सोचो आपने माइनस कॉस ओमेगा टी को आपने लिख दिया, मान लो माइनस साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, तो फिर गड़बड़ क्या होगा? ये माइनस अंदर, तो देखो साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, क्लियर? तो देखो यहां बेटा ये माइनस में आ गया, कंपैरिजन दिक्कत। क्या ये बात समझना? मतलब एक बात तो आप तय मान, लेकिन हाँ अगर जरा एक बात होता माइनस कॉस ओमेगा टी है तो बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ओमेगा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ओमेगा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब बोलो फील आया क्या? अब बोलो फील आया, मैं क्या कहना चाहता हूं? अब बोलो फील आ गया सबको, प्लीज एक बार ईमानदारी से सर बोल दीजिए, मजा आ जाएगा। एक बार प्लीज ईमानदारी से सर बोल दीजिए। और एक ट्रिक सिखा देता हूं, आपको, याद रखेंगे, ठीक है? एक ट्रिक भी सीख लीजिए, अगर कॉस प्लस में है तो प्लस वाला यूज करेंगे,
कॉस अगर प्लस में है तो प्लस वाला यूज करेंगे, और अगर कॉस माइनस में है तो माइनस वाला यूज कर लेना। क्लियर, समझ में आया? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, अगर देखो कॉस यहां माइनस में तो माइनस वाला यूज कर लेना, अगर कॉस प्लस में रहेगा तो प्लस वाला यूज कर लेना। देखो ये ट्रिक्स हो गए, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज एक बार ये सर बोलो मस्त, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज मार्किंग को, और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हो प्लीज कमेंट जरूर करना इस मामले में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मैंने आई लिखा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वी नॉट बाई ओमेगा एल, यहाँ देखो माइनस है तो मैं माइनस साइन यहाँ क्या लिखूंगा, साइन पाई बाई टू थीटा, इसको मान लेंगे तो माइनस ओमेगा टी, अगर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो वी नॉट बाई ओमेगा एल, मैं इसको लिखूंगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन आ गया। क्या ये सबको फील आ गया? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज एक बार ये सर बोलिए। देखो अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, अच्छा बताइए ये एक्सप्रेशन लिए और ये एक्सप्रेशन सेम है कि अलग है? फटाक से बताइए, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है या अलग है, एक बार बताइए। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है या अलग है? अरे फटाक से बताइए, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बट हम लोग इस एक्सप्रेशन में ही क्यों गेम को देखना चाहते हैं? क्या ये बात समझ में आ रहा है? हम इस एक्सप्रेशन में ही गेम को क्यों ऑब्जर्व करना चाहते हैं? अब आपको समझ में आ रहा है? हम इस एक्सप्रेशन में गेम को इसलिए ऑब्जर्व करना चाहते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके वोल्टेज को और करंट के बीच में, समझ में आया? ताकि हम कंपेयर कर सके, क्योंकि याद करो जो हमने वोल्टेज दिया था उसका फॉर्मूला था वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो देखो साइन के टर्म में ये है, साइन के टर्म में ये है। अच्छा अब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा आराम से देखेंगे, कूल एंड काम हो जाइए, सारे लोग अपने आप को शांत कर लीजिए, आलिस वेल, मैं भी शांत, ठीक है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखो और फील करके मुझे बताओ क्या इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या फील आता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है या अलग अलग? क्या वोल्टेज और करंट सेम फेज में है या फिर अलग अलग? ईमानदारी से देखकर बताइए, तो अब आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज और करंट यहाँ पे अलग फेज में, पहला इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? दूसरा पॉइंट बताइए, यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? बहुत अच्छे 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे बताइए वोल्टेज और करंट में कौन आगे है, फेज में कौन आगे है? वोल्टेज और करंट में फेज में कौन आगे है, वोल्टेज या करंट कौन आगे है? तो जरा ध्यान से देखो, वोल्टेज आगे है, जरा फील करो, करंट 90 डिग्री से पीछे है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री आगे हो जाता है, इंडक्टर के केस में 90 डिग्री आगे हो जाता है। इसका मतलब ये मत सोचना कि 90 डिग्री रेस चल रहा है 90 डिग्री आगे, ऐसा आगे नहीं होता, समझ में आ गया होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था फेजर डायग्राम का रियल मीनिंग, क्लियर है ना, सबको फील आ गया होगा। मतलब जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो पहले मैक्सिमम कौन होगा, वोल्टेज, पहले मैक्सिमम कौन होगा, वोल्टेज, और जब वोल्टेज फिर जीरो होगा तब जाके करंट मैक्सिमम होगा, क्या समझ में? और दोनों एट अ टाइम मैक्सिमम होंगे क्या? क्या दोनों एट अ टाइम मैक्सिमम होंगे क्या? क्या दोनों एट अ टाइम मैक्सिमम होंगे क्या? दैट इज द ब्यूटी इन द पॉइंट, दोनों एट अ टाइम मैक्सिमम कभी नहीं होंगे, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्लियर। अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे, हाँ सर एक बात तो समझ में आ गया कि वोल्टेज एंड करंट में वोल्टेज लीड करता है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री, इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आया? इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है, क्लियर। इंडक्टर के केस में वोल्टेज कितने डिग्री से लीड करता है? अब सबको समझ में आ गया, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है, बहुत अच्छा। अच्छा यहां तक तो एकदम पूरा क्लियर हो गया, तो आप बोल सकते हो वोल्टेज लीड करता है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो करंट लैग कर जाता है, करंट पीछे रह जाता है, क्लियर। पीछे रह जाता है मतलब चल रहा है ऐसा वाला, पीछे नहीं भैया तू पीछे रह गया, आज आज ऐसा नहीं, समझो लॉजिकली समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लियर। हाँ वैसे भी कर सकते हो कि मैं मैक्सिमम में आ गया, भैया तू पीछे कहा है, तो मैं उसको खींचने के चक्कर में मैं नीचे हो गया, वो ऊपर हो गया, क्लियर, इस तरह का समझो। खैर अब आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा डिटेल से, मैंने पिछले ये फेजर डायग्राम में ये सब चीजें मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा अगर एक बात तो हो गई, एक कंपैरिजन तो मुझे समझ में आ गया, तो पहला इसमें एक कंक्लूजन तो मेरे हाथ लग गया कि वोल्टेज लीड्स, देखो वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स आई बाई पाई बाई टू, क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अब अगला एक और कंक्लूजन मेरे हाथ में लग रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है, क्या कोई मुझे बता सकता है एक और कंक्लूजन मेरे हाथ में लग रहा है, कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या एक और अच्छा कंक्लूजन मेरे हाथ में इस गेम में, कोई मुझे बता सकता है क्या? कंपेयर करो यहां पे, देखो आई नॉट का एम्पलीट्यूड,
अरे जरा फील करो, याद करो, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर, है ना, ये तो ऑसिलेटिंग टर्म है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं भूलता हूँ, जरा ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, अरे फील करो मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर बताओ ये वोल्टेज का काम कर रहा है तो ये वाला पार्ट किसका काम कर रहा है, फटाक से बताइए, अगर ये वाला पार्ट वोल्टेज का काम कर रहा है तो ये वाला पार्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब जरा देखो फील आ गया होगा, मतलब ये हुआ कि इंडक्टर भी अपोज करता है, इंडक्टर भी अपोज करता है, एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज व्हाट, ओमेगा एल। तो अगर आप कंपेयर करोगे आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, या तो डायमेंशनली भी कंपेयर करोगे तो बताओ ओमेगा एल की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, मतलब ये लॉजिकली रेजिस्टेंस है। क्या ये बात सबको समझ में आया, क्या ये समझ में आया? अच्छा ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, कोई मुझे बता सकता है ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? समझ में आया ना, ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इंडक्टर। क्या ये बात सबको फील आ गई, ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, इंडक्टर। अभी पूरा फील कराऊंगा, सो डोंट टेक टेंशन। तो जरा ध्यान से देखो, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो इसको आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा एल। आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा एल। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। लेकिन एक सेकंड, तुमने एक चीज ध्यान दिया, ये भी रेजिस्टेंस वो भी रेजिस्टेंस, मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस तो कंफ्यूज हो सकते हो तुम, मैं किस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं? तो जरा अंतर बताइए, वो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेजिस्टेंसेस, क्या ये बात मुझे बता सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये बात? देखो ये इंडक्टर भी रेजिस्टेंस का काम करता है और वो रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, वो रेजिस्टेंस आर जो थी वो फिक्स होती थी, वो रेजिस्टेंस आर जो होती थी वो फिक्स होती थी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती थी, अगर वो 5 ओम थी तो 5 ओम थी, लेकिन यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स नहीं है, ये बदल सकता है। एल तो ठीक है लेकिन ओमेगा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इस बात पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता कि इंडक्टर की अपोजिंग कैपेबिलिटी कितना है, आप इसको कहां ऑपरेट कर रहे हो ये भी बड़ा मैटर करता है, मतलब ये इंडक्टर हर जगह पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह बिहेवियर अलग अलग बिहेवियर देगा, समझ में आ रहा है, अलग अलग तरह से रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा, अलग अलग तरह से रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा। और तुम जानते हो जो लोग, अच्छा बताओ इसके लिए क्या वर्ड यूज करना चाहेगा, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, बताइए। रजिस्ट तो कर रहा है लेकिन क्या सिचुएशन के हिसाब से रजिस्ट कर रहा है, प्लीज देख सकें, क्या ये रजिस्ट कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, बहुत तेज बनेगा भगा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, जब मैं डाउट इंक्वायरी लूंगा तब, ठीक है, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये रजिस्ट कर रहा है, बिल्कुल रजिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका रजिस्ट करने का क्या खासियत है, ये क्या डीसी जैसा हर जगह जाता है मार करता है, क्या ये डीसी जैसा मार करता है, ये सॉरी आर जैसा मार करता है, वो क्या वो रेजिस्टेंस जैसा मार करता है, ये बेटा सिचुएशन को भापता है, ये जस्ट लाइक गॉड कृष्णा है, समझ रहे, सिचुएशन के हिसाब से काम करेगा, समझ रहे, बहुत कभी बहुत कूल, कभी बहुत काम और कभी पूरा एकदम, समझने की कोशिश, तो ये सिचुएशन के हिसाब से वर्कआउट कर रहा है, समझ में आया ना। तो जो लोग सिचुएशन के हिसाब से वर्कआउट करते हैं उनको रजिस्ट, ठीक है, अब किसी को मार धार करने की आदत है लेकिन किसी के साथ मजबूरी है उसको मार धार करना है, वो सिचुएशन ने ऐसा कर दिया तो उसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, वो रजिस्ट तो कह रहा है लेकिन उसके लिए एक वर्ड यूज करो, रिएक्ट कर रहा है, वो रजिस्ट नहीं कर रहा, वो रिएक्ट कर रहा है, वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना चाह रहा है, इसलिए उस तरह के रेजिस्टेंस को हम एक नया नाम देने की कोशिश करेंगे, रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। क्या ये बातें फील आ गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। तो याद रखना है बेसिकली एक तरह से रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये आपको याद दिला रहा है भैया ये सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करने वाला है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस कभी 5 ओम भी हो सकती है, कभी 7 भी हो सकती है, कभी 10 भी हो सकती है, मतलब एक इंडक्टर अपोज इंडिया में भी करेगा, कनाडा में भी अपोज करेगा, लेकिन एक बात बताइए ज्यादा रेजिस्टेंस कहां ऑफर करेगा, फटाक से बताइए ज्यादा रेजिस्टेंस कहां ऑफर करेगा, इंडिया या कनाडा? तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा वो कनाडा में करेगा। क्या ये बातें फील आ गई, क्या ये बातें फील आ गई? तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखो तो ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस है, बट इस रेजिस्टेंस को एक नया नाम देंगे, रिएक्टेंस। लेकिन एक समस्या और है, रिएक्ट भी दो लोग कर सकते हैं, अब कौन सा रिएक्टेंस की बात करें, तो चूंकि ये इंडक्टर रिएक्ट कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टर रिएक्ट कर रहा है यहां पे, तो इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्लियर। और इसको एक नया सिंबल से नोट डाउन करेंगे, याद रखना ये बेसिकली आर है, कंफ्यूज मत होना, ये एक तरह से आर ही है, रेजिस्टेंस ही है, बस नाम बदल दिए ताकि हमें फील आता रहे कि ये बेटा ये रेजिस्टेंस है लेकिन बेटा ये सिचुएशन के हिसाब से मार कर रहा है, तो ये आपको फील दिलाएगा कि अच्छा ये इंडक्टर अभी 5 ओम काम कर रहा है तो अलग सिचुएशन में ये अलग रेजिस्टेंस भी दे सकता है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक नया सिंबल यूज करते हैं एक्स, याद रखना ये भी रेजिस्टेंस है, कंफ्यूज मत होना, तो आर बोलो एक्स बोलो लॉजिकली सेम है,
क्लियर, लॉजिकली सेम है, बस अंतर याद दिलाता रहेगा। एक्स बताएगा भैया सिचुएशन के हिसाब से ये एक्समैन की तरह ट्रीट कर रहा है, भैया सिचुएशन के हिसाब से ये बिहेवियर देने वाला है। और चूंकि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो कुछ लोग सबस्क्रिप्ट में एक वर्ड यूज करते हैं एल, मतलब एल इंडक्टर के लिए यूज है। अब रिएक्टेंस अकेला नहीं है कि आप इसके लिए सिर्फ एक्स लिख दोगे, रिएक्टेंस सिर्फ यही रिएक्ट नहीं करता, समझ रहा है ना, तो रिएक्ट और एक आदमी कर सकता है, अभी आगे पढ़ेंगे। ये अकेला नहीं है, तो बेटा अकेला नहीं, तो चलो नाम ऐसा लगा देते ताकि ये क्लियर पता चले, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। क्या ये बातें फील आ गई, क्या ये बातें फील आ गई, मतलब जो रेजिस्टेंस होगा, जरा फील करना, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जो इंडक्टर होगा वो ओमेगा एल होगा। लेकिन तुमने एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान दिया, अब बताओ अगर तुमने कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई दिया, फील करना, तुमने मान लो इंडिया में भी आपने 60 वोल्ट का वोल्टेज दिया, कनाडा में भी 60 वोल्ट का वोल्टेज दिया, तो बताओ मैक्सिमम करंट इंडिया में ज्यादा होगा या कनाडा में ज्यादा होगा, अगर इंडक्टर है तो बताओ मैक्सिमम करंट इंडिया में ज्यादा होगा या कनाडा में ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम करंट इंडिया में, समझ में आया, मैंने बार बार बोला था वोल्टेज फिक्स है ओमेगा अलग है, तो बेटा कनाडा में ओमेगा ज्यादा है, फील करो, तो कनाडा में अगर ओमेगा ज्यादा है तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा देगा ना, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा देगा तो कनाडा में करंट कम होगा, इंडिया में ओमेगा कम है तो इंडिया में इंडक्टर क्या करेगा, समझ में आ रहा है, इंडिया में इंडक्टर क्या करेगा, कम अपोज करेगा, और इंडिया में इंडक्टर कम अपोज करेगा तो ज्यादा करंट मिलेगा, तो इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, समझ में आया ना। क्या ये बातें फील आ गई, क्या ये बातें फील आ गई, ये बातें फील आ गई, ठीक है। अब आगे की कहानी थोड़ा सा और फील कराता हूं आपको, ठीक है। अब कुछ लोग, हाँ सर तुम्हें पता है, अब तुम देखो थोड़ा सा आपको मजा भी आ सकता है इस गेम को, थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो आपको और फील आएगा। इंडक्टर के बारे में एक बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते हो, क्या ये फॉर्मूला इंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करता है, इंडक्टर के नाम के साथ मैच करता है, कुछ लोग बोलते हैं क्या ये उसका कर्म उसके नाम के साथ मैच करता है, बताइए फॉर्मूला इसके साथ मैच करता है, नहीं बिल्कुल मैच करता है। तुम सोचो, याद करो, इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है, याद आ रहा है ना, इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है, अगर ओमेगा ज्यादा है मतलब चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, अगर ओमेगा ज्यादा है तो चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, तो तुम जानते हो ये अपोज भी उतना ही खतरनाक तरीके से करेगा, अरे याद आया, अगर ओमेगा ज्यादा है तो चेंज बहुत तेजी से हो रहा है तो ये अपोज भी उतना ही खतरनाक तरीके से करेगा, ये अपोज भी उतना ही खतरनाक तरीके से करेगा। क्या ये बातें मैं फील करा पा रहा हूं, क्या ये बातें फील मैं करा पा रहा हूं, क्या ये बातें, तो ओमेगा जितना ज्यादा उतनी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही, रेट ऑफ चेंज उतना हाई है, अरे ओमेगा जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज उतना है, ये करंट उतनी तेजी से गड़गड़ गड़गड़ बदल रहा है, और जितने तेजी से करंट बदलेगा इंडक्टर उतना एक्टिव हो जाएगा, आंख वाक निकालता अपोज करने लगेगा, ये बात समझना। अब जैसे तुम सोचो अगर मान लो ओमेगा को आप जीरो कर दो, लेट से कर लो, अगर आप डीसी में एक इंडक्टर को ऑपरेट कर दो तो क्या होगा, एक डीसी में अगर आप इंडक्टर को ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, तो डीसी के लिए ओमेगा होता है क्योंकि वहां पे कोई चेंज तो है नहीं, तो रेट ऑफ चेंज है नहीं, तो अगर आप किसी डीसी में इंडक्टर को ऑपरेट करोगे तो मजेदार बात क्या है, ओमेगा जीरो का मतलब क्या होगा, इंडक्टर वहां पे अपोज ही नहीं करेगा, इंडक्टर सुधारेगा कांस्टेंट आराम का घर, समझ में आ रहा है, इंडक्टर का वहां होना और नहीं होना एक जैसा है, तो वहां पे अगर मान लो आपके पास एक इंडक्टर है, फील करना, मान लो आपके पास एक आर है और आपके पास एक इंडक्टर, समझा के बताओ, अभी सॉल्व वॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं, डरना मत, और इस तरह का सिचुएशन है, तो कोई पूछेगा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बताओ, व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट, तो आप सोच सकते हो, आप लॉजिकली सोचो क्या होगा करंट, फील कर पाओगे आप, तो देखो यहां पे ओमेगा तो जीरो है, तो इसका होना और नहीं होना तो बात बराबर, अगर एक बात बताए एक्सएल उस समय जीरो हो जाता है तो रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या हो, शॉर्ट सर्किट, तो इसका होना और नहीं होना बात बराबर है, तो ये सर्किट सीधा देखो इंडक्टर की जगह शॉर्ट सर्किट कर दिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, और इस तरह का डायग्राम बना लो, ये आपका इक्विवेलेंट डायग्राम है। क्या ये बातें फील आ गई, मतलब इंडक्टर में रेजिस्टेंस, डीसी में रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का होना और नहीं होना कोई फर्क वाली बात नहीं है, मतलब इंडक्टर वहां पे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है, याद करो इसीलिए अभी तक हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े तो वहां इंडक्टर का रोल वहां उतना खास हमें नहीं दिख रहा था, वहां पे इंडक्टर का रोल हमें उतना खास नहीं ऑब्जर्व हो रहा था, क्योंकि आप वहां लगाते तो एक तार है, इंडक्टर लगाओ या तार लगाओ बात एक था, बतिया एक के था। क्या अब पूरी तरह से फील आ रही है, क्या अब फील आ रहा है, अब मजा आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, क्या अब आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बदली, प्लीज एक बार सर लोग ये सर बोलो, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे की कहानी देखते हैं, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गया कि इंडक्टर को रिएक्टेंस क्या कहते हैं, ये बात पूरा क्लियर हो गया, क्या ये सबको समझ में आया, इंडक्टर को रिएक्टेंस के नजरिए से क्यों देखते, ये बात समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको कोई पूछेगा इसका फेजर डायग्राम बनाइए और इससे क्या क्या चीजें, तो देखो हमने यहाँ पे दो चीजें एकदम कंक्लूड कर लिया, इंडक्टर को लेके हमने दो चीजें एकदम क्लियर कर सीख ली, क्या हमने सीखा, पहला कि इंडक्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से रेजिस्टेंस बदल सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। अब रिएक्ट दो लोग करते हैं, खाली इंडक्टर नहीं करता, एक कैपेसिटर भी करता है, तो हम कैसे समझेंगे कि इंडक्टर ही रिएक्ट कर रहा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्लियर। अब जरा और थोड़ा सा चीजों को समझे,
अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को अच्छे से देखें तो अब हम लोग इस पूरे गेम से क्या क्या चीजें का अनुमान लगा पाए वो सारा चीज मैं आपको समझा देता हूँ। सो प्लीज टेंशन मत लेना। पहला इंटरेस्टिंग चीज ये पता चला, फील करना, पहला इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या पता चला इस पूरे गेम से। तो देखो पहला जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चला कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है यानी एक्सएल, जरा फील करो, एक्सएल वर्सेस ओमेगा है ना, ओमेगा मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और एक्सएल है रेजिस्टेंस। तो देखो एक्सएल वर्सेस ओमेगा का कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात सबको समझ में आया? मतलब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, मान लो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर बढ़ेगा। ये ग्राफ हो गया एक्सएल वर्सेस ओमेगा का। क्लियर? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो पहला इंटरेस्टिंग चीज ये समझना। अगर यहाँ पे थीटा का भी बात करेंगे तो देखो एक्सएल, याद करो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एक्सएल बाय ओमेगा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू टैन थीटा। मतलब इसका स्लोप जो है वो टैन थीटा जो है एल देता है। क्या ये बात भी क्लियर? ये सब चीजें आप मैथमेटिक्स है, इसमें हम लोग ज्यादा उलझेंगे नहीं। खैर ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या पता चला? अच्छा एक बात बताओ, वोल्टेज और करंट में, तो अगर आप फेजर डायग्राम देखोगे तो बताओ अगर ये आपका करंट है तो वोल्टेज कौन सा होगा, किधर होगा? ये वोल्टेज होगा पहला, दूसरा वोल्टेज या तीसरा वोल्टेज? वोल्टेज किधर ड्रॉ करेंगे, फटाक से बताओ। तो दूसरा वाला, तो ये आपका वोल्टेज हो गया। क्या ये बात समझ में आया? तो देखो फेजर डायग्राम याद रखना, इसको एम्पलीट्यूड वी नॉट, तो इसको एम्पलीट्यूड आई नॉट। क्लियर? कुछ लोग फेजर डायग्राम में आरएमएस का भी सहारा लेके सॉल्व करते हैं, वी आरएमएस आई आरएमएस, कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो, बाय रूट 2 कर देते हो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, तो वी नॉट आई नॉट, तो यहां पे एक बात तो समझ में आ गया कि वोल्टेज लीड्स, फील करना, वोल्टेज लीड्स करंट बाय, करंट बाय पाई बाय 2। क्या ये बात समझ में आ गई? वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय 2 लीड कर दिया। अच्छा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ में आ गया, अब आप समझ गए, तो आई नॉट को आप क्या लिख सकते हो, तो वी नॉट बाई एक्सएल है ना, तो ओमेगा है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आपको अगर ओमेगा पता है और एल पता है तो ये भी कर सकते हो। चौथा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मान लो आपको पता चल गया कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, देखो तो अगर आपको किसी ने वोल्टेज दे दिया या करंट दे दिया तो क्या आप करंट दे दिया तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाल पाओगे? अगर किसी ने आपको करंट दे दिया तो क्या आप वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाल पाओगे? फटाफट बताओ, अगर किसी ने आपको करंट दे दिया तो क्या वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाल पाओगे? बिल्कुल। और अगर किसी ने आपको वोल्टेज दे दिया तो करंट का एक्सप्रेशन निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल। तो जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो अगर किसी ने दे दिया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T प्लस थीटा, ये थीटा कोई फेज है, कोई फाई है, कोई फेज है, तो बताओ करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो दिस इंप्लाइज, तब आप करंट के एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे? तो करंट I नॉट, तो यहां क्या लिखेंगे? V नॉट बाई ओमेगा L, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करेगा मैक्सिमम करंट। क्या ये बात सबको समझ में आई? और करंट का एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे? तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई, सॉरी करंट का एक्सप्रेशन तो माइनस पाई बाय 2। क्लियर? करंट पीछे रहता है तो ये आपका एक्सप्रेशन है। क्लियर? क्या ये तीन चार चीजें सबको क्लियर हो गया? प्लीज एक बार ईमानदारी से बताइए, क्या ये सबको क्लियर हो गया? अभी और भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं इस मामले में, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, देन आप लोग कहानी को थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग वेव शेप समझेंगे, आज इस टॉपिक को मैं पूरा क्लियर करूंगा और कैपेसिटर एक बचेगा और एक दिन में आरएलसी, ठीक है। सो जरा ध्यान से सुन, ये बात तो पूरा क्लियर हो गया, अब जरा समझते हैं मुझे, इसको मिटा दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा, अब इसका हम लोग एक वेव शेप बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूं इसका वेव शेप कैसे बनता है, एकदम आराम से देखोगे, हड़बड़ाओगे नहीं, ठीक है। एक एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। तो अब हमारा अगला टारगेट है इसका वेव शेप और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे फील नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम लोग का अगला टारगेट है इसका वेव शेप, है ना। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो हम एक वेव शेप बनाना चाहते हैं तो कैसा बनेगा, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है, फील करना, रटा कोई नहीं मानेगा, ये हमारा वोल्टेज और ये हमारा करंट और ये हमारा पावर, ये पावर, देखना मजा आ जाएगा यहां पे, देखोगे मजा आ जाएगा। वोल्टेज करंट पावर,
मान लीजिए कि आपका वोल्टेज इस तरह से फ्लक्चुएट किया, मान लीजिए ये आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट किया, पूरा फील करना सारे लोग, कोई रट्टा मत मारना, फील करना इस वेव शेप को, डरने की कोई जरूरत नहीं, वेव शेप पे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं, तो फील करो, सवाल आएगा जाएगा, भाड़ में जाए दुनिया, हम लोग समझेंगे पूरा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, करंट आगे रहेगा या पीछे, बताओ यहाँ पे करंट आगे रहेगा या पीछे, अगर इंडक्टर में था तो करंट कहाँ रहेगा, आगे या पीछे, बताओ करंट लैग करेगा ना, पीछे। अच्छा पीछे रहेगा तो टाइम लाइन में इधर से शुरू होगा या इधर से, फर्स्ट या सेकंड, बताओ वो कहां से शुरू होगा, वन या टू, कहां से शुरू होगा, टू से, बहुत अच्छी, मतलब यही शेप इसका शुरू होगा लेकिन यहां से, क्या ये बात सबको समझ में, तो ये करंट का शेप होगा, क्या ये पूरा क्लियर हुआ, देखो अब एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्या ये करंट का शेप होगी, देखो सो दिस इज द शेप ऑफ द करंट, और तुम देखोगे कि माइनस कॉस ओमेगा टी का एक्सप्रेशन ही है, जरा ध्यान से, कुछ लोग नहीं समझ पाओगे, याद करो प्लस कॉस ओमेगा टी ऊपर से होता है ना, उसका माइनस कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो याद करो जो एक्सप्रेशन आता था ये वही एक्सप्रेशन था, लेकिन इसको साइन में आगे पीछे करने के चक्कर में हमने उस एक्सप्रेशन में बदला था, क्या आप यहां तक फील आ गया सबको, पहले ये एक्सप्रेशन लिखो, और ये एक्सप्रेशन पूरी तरह से फील भी कराता है, ये एक्सप्रेशन पूरी तरह से फील कराता है, एम्पलीट्यूड क्या मतलब राशि इसमें क्या दिक्कत है, एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड तो देखो बस एक चीज याद रखना, राशि मैंने क्या बोला था, दोनों का एम्पलीट्यूड एट द सेम टाइम मैक्सिमम नहीं आएगा, याद करो 90 डिग्री का फेज है ना, याद है 90 डिग्री का फेज है, तो जिस समय इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उस समय इसका करंट जीरो, और एकदम फील आएगा। अच्छा एक बात बताओ, फील करो ये सही है कि नहीं, ये डायग्राम सही है कि नहीं, तो देखो हम लोग करंट के चेंज को लेते हैं, तो देखो डीआई बाई डीटी कहां कहां जीरो है, बताओ डीआई बाई डीटी चेक करो कहां कहां जीरो है, जहां जहां डीआई बाई डीटी जीरो होगा वहां पे वोल्टेज जीरो होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि जहां पे डीआई बाई डीटी जीरो होगा वहां पे करंट में रेट ऑफ चेंज, करंट तो है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं, और वहां पे वोल्टेज जीरो होनी चाहिए क्योंकि इंडक्टर है, तो देखो यहाँ पे डी आई बाई डी टी जीरो, यहाँ पे जब स्लोप लोगे डी आई बाई डी टी वोल्टेज जीरो, देखो यहाँ पे करंट जीरो है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि करंट जीरो का मतलब वोल्टेज नहीं, करंट जीरो है लेकिन करंट बढ़ घट सकता है, करंट में चेंज तो है, तो देखो करंट जीरो है लेकिन करंट में चेंज है, तो करंट में चेंज है सबसे ज्यादा यहीं पे चेंज है, जिस समय करंट जीरो है उस समय डी आई बाई डी टी सबसे ज्यादा वही है, देखो जिस समय आई जीरो है डी आई बाई डी टी वही मैक्सिमम है, क्या इतफाक है हमारा, तो डी आई बाई डी टी, फिर देखो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है लेकिन डी आई बाई डी टी जीरो है, देखो वोल्टेज जीरो हो गया, क्या ये चीजें सबको फील आ गया, क्या ये चीजें फील आ गया सबको, क्या ये चीजें फील आ गया सबको, प्लीज एक बार ये सर बोलो, मजा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है, अब समझ में आ गया, अब पूरी कहानी को समझो, तो मुझे लगता है ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा, अब फील करो, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखना चाहेंगे, पावर, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज को देखो प्लस प्लस माइनस माइनस है ना, यहाँ पे देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, कुछ लोग बोलेंगे सर आप करना क्या चाहते, जरा फील करना, मैं यहाँ पे वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा पावर किसी भी इंस्टेंट में जो पावर होगा, तो बता पावर एट एनी इंस्टेंट, याद करो जो इंडक्टर होता था तो क्या होता था, जब इंडक्टर होता था तो क्या होता था, याद करो है ना, तो वोल्टेज और करंट अगर आ रहा है तो हम लोग पावर निकाल सकते ना, कि इंडक्टर में पावर कब स्टोर हो रहा है या रिलीज हो रहा है, तो फील करना, रट्टा मत मारना, फील करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वी आई, अगर आपने पावर को वी आई का प्रोडक्ट, अब उसको फील करना अलग चीज है, मैथमेटिक्स से देखते हैं, तो अगर आप पावर के प्रोडक्ट को वी आई से देखोगे तो बताओ पावर पॉजिटिव कहां है, तो देखो बी और आई यहाँ पे निगेटिव, क्या ये बात फील आ गई, तो देखो यहाँ पे बी और आई निगेटिव है, तो देखो वोल्टेज जीरो, देखो फील करना रट्टा मत मारना, देखो वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम, तो भी यहाँ पे पावर जीरो होगा क्योंकि बेटा वोल्टेज है जीरो है उस समय, करंट मैक्सिमम पावर जीरो, अच्छा यहाँ पे देखो वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो मतलब पावर जीरो, समझ में आया, प्लस और माइनस तो निगेटिव, तो शुरू में ये डायग्राम समझ में आया कैसे हुआ, ये डायग्राम समझ में आया कैसे हुआ, देखो जीरो कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पे ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या ये बात, लेकिन यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि प्लस और माइनस है, तो देखो वी आई का प्रोडक्ट निगेटिव, अब फील कराएंगे टेंशन मत लेना, क्या ये बात समझ में आ गया, तो देखो प्लस और माइनस, तो ये निगेटिव, अच्छा ये जीरो, ये वन, तो जीरो, देखो यहाँ पे ये जीरो, ये वन, तो जीरो, यहाँ पे देखो ये जीरो, ये माइनस वन, तो भी जीरो, यहाँ पे ये जीरो, ये माइनस वन, तो भी जीरो, अच्छा देखो यहाँ पे भी करंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पावर प्लस, फिर देखो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, फिर से निगेटिव, फिर देखो यहाँ से निगेटिव निगेटिव, फिर से, क्या ये ग्राफ सबको फील आ गया, क्या ये सबको फील आ गया, अच्छा याद करो जीरो और फाइव के बीच में मल्टीप्लीकेशन करोगे एक तो एक बार तो मैक्सिमम, सो देखो ये ग्राफ, अच्छा क्या तुमने एक चीज ध्यान दिया, अच्छा एक बार बताओ यहाँ पे पावर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे पावर की फ्रीक्वेंसी क्या है, प्यारे बच्चों एक बार बताइए, ईमानदारी से बताइए, फिर से फंस गए, पावर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिर से टू एफ ए रे,
पावर की फ्रीक्वेंसी 2 है पेरे। अरे ढक्कन आत्मा, जरा ध्यान से देखो, ये एक साइकिल में देखो तो यहाँ दो साइकिल हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे पावर की फ्रीक्वेंसी 2 है। लेकिन एक बात बताओ, रेजिस्टेंस में जो पावर था और यहाँ पे जो पावर है, दोनों में क्या अंतर है? क्या देखे, रेजिस्टेंस में जो पावर था हर बार पॉजिटिव, हर बार पॉजिटिव याद आ रहा है, रेजिस्टेंस में जो पावर था हर बार पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो पावर है एक साइकिल में देखो, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, क्या ये फील आया? तो एक साइकिल, ये तो जीरो होगा ना, हाँ, तो यानी कि एक पूरे साइकिल में पावर जीरो हो गया। मतलब इंडक्टर क्या करता है, अब समझ में आ गया होगा। तो इंडक्टर याद रखना कभी भी पावर लॉस नहीं करता। तुम सोचोगे कि हम टोस्टर में खाना बना लेंगे, हीटर में खाना बना लेंगे इंडक्टर लगा के, इंडक्टर के हेल्प से कभी खाना नहीं बन सकता, सोचोगे? तो इंडक्टर का पावर जीरो है, मतलब ओवर एक फुल साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर क्या करता है, पावर लॉस, जीरो पावर लॉस करता है। इसीलिए इंडक्टर को कुछ लोग वाटलेस, इंडक्टर में बहने वाले करंट को वाटलेस करंट भी कहते हैं, समझ में? और इंडक्टर को वाटलेस डिवाइस कहा जाता है, वाटलेस मतलब वाटलेस, समझ में ना, क्या कम है ये नहीं, वाटलेस पावर कम डिवाइस, समझ में? ऐसा डिवाइस जो पावर नहीं खाता है। तो अगर आपके पास एक बहुत ही साफ सुथरा इंडक्टर है तो पावर नहीं खाता। तो कुछ लोग बोलेंगे सर तो फिर ये प्लस और माइनस का चक्कर क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, प्लस और माइनस का चक्कर क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? प्लस और माइनस का चक्कर क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? हाँ, रिलीज एंड गेन, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अरे जरा ध्यान से देखो, तो जिस समय इसके पास करंट मैक्सिमम है, याद करो, तो अगर कोई इंडक्टर के पास करंट मैक्सिमम है उस समय इसके पास मैक्सिमम पावर है, तो ये रिलीज करा। देखो अरे बात बता, देखो फील करो, रट्टा मारने से ना दुनिया वाहियात सी बनती है, याद करो। इंडक्टर के पास करंट मैक्सिमम पावर, एनर्जी का मैक्सिमम होती थी, याद है? इंडक्टर के पास एनर्जी का मैक्सिमम होती थी हाफ एलआई स्क्वायर। तो जब जब इंडक्टर का करंट मैक्सिमम होगा तब तब इंडक्टर के पास एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो देखो यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक इंडक्टर क्या कर रहा है बताओ, करंट गेन, पावर गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है बताओ? यहां पे इंडक्टर एनर्जी जमा कर रहा है या जमा ये लूज कर रहा है? तो देखो यहां से यहां तक करंट बढ़ता जा रहा है, मतलब इस गेम में पावर जब पॉजिटिव है तो इंडक्टर करंट को गेन कर रहा है, क्लियर, सॉरी एनर्जी को गेन कर रहा है, और धीरे धीरे वो एनर्जी बिल्डअप करते जा रहा है। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद देखो क्या हुआ, यहां से यहां तक करंट मैक्सिमम हुआ, मतलब यहां से यहां तक उसने पॉजिटिव पावर बता रहा है कि वो करंट गेन कर रहा है, क्लियर? ये क्या बता रहा है कि इंडक्टर करंट गेन कर रहा है, वो हीट लॉस के तम में ये नहीं कर रहा है। बताओ करंट गेन ये भी करता है, करंट गेन रेजिस्टेंस भी करता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? पावर गेन रेजिस्टेंस भी करता है और पावर गेन इंडक्टर भी करता है। दो तरह के लोग होते हैं, मान लो मैंने दो लोगों को पैसा दिया, मान लो मैंने भी पैसा कमाया और मेरा एक कलीग्स ने भी पैसा कमाया, हो सकता है मैंने पैसा को जमा करके रख लिया और मेरे कलीग्स ने पैसा को उड़ा दिया, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो पावर गेन करता है उसको हीट में लॉस करते चला जाता है। जबकि इंडक्टर ऐसा नहीं करता, वो हीट लॉस नहीं करता, जो पावर गेन करता है वो किसको, उसको वो एनर्जी में स्टोर करता है, किस फॉर्म में बताओ, किस फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, पटाख से बताओ, किस फील्ड के फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो जितना भी पावर गेन करता है अपने पैकेट में रखता है, बाबू समय पे मैं ही काम दूंगा, क्या फील है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर से करंट घटने लगा, तो बताओ वो क्या करता है, उस एनर्जी को क्या करता है, हीट में बदलता है? ना 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 ना, वो एनर्जी को उसी सर्किट में, जब सर्किट कमजोर होने लगता है, याद करो डैम वाली कहानी, जरूरत पड़ने पे फिर वो करंट को कांस्टेंट रखने के लिए फिर एनर्जी लॉस करने लगता है, क्लियर? तो देखो यहाँ पे पावर निगेटिव हो गया। तो आप एक बार एक फुल साइकिल को देखो, यहां से देखो उतनी फील नहीं है, यहां से देखो जब करंट बढ़ा मैक्सिमम गया घटा, यहां तक देखो ना आपको पूरा फील आ गया। तो देखो क्या हुआ, क्या पूरा फील आ गया, तो इसमें पावर स्टोर किया फिर पावर लूज किया, क्या इसको और फील करना चाहोगे? इतना काफी है, मोर देन एनफ, क्या और इस पे जूम करेंगे? इतना ठीक है ना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, एनफ है, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या पूरा मजा आ रहा है ये चीज को समझने में, क्या पूरा मजा आ रहा है, आप समझ में आया? इसीलिए बेटा इंडक्टर को वाटलेस डिवाइस करते हैं, मतलब इंडक्टर के साथ क्या खासियत है समझ में आया ना? तो जिस समय वोल्टेज बमबमा के देता है, जिस समय एनर्जी की बाढ़ आती है वो स्टोर कर लेता है, और जिस समय इसको लगता है कि एनर्जी की जरूरत है वो सर्किट में दे भी देता है। मतलब अगर कहीं इंडक्टर है तो जरा फील करना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लो कि एक इमेजिन करो, एक सिचुएशन फील कराने के लिए बताओ, ऐसा इसको ठीक है फील करना, जैसे मान लो कि पावर सप्लाई लाइन है, पावर स्टेशन है, अगर मान लो कि सिर्फ रेजिस्टेंस है तो पावर स्टेशन जितना देगा एनर्जी वो तुरंत हीट में बदल के बैठ जाएगा। पावर स्टेशन बोलेगा भैया कुछ दोगे, हेल्प करोगे, अभी कमी हो रही है, बोलेगा भैया सब तो उड़ा दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको पैसा दोगे जरूरत के समय और उड़ा देंगे, फिर मांगोगे भैया थोड़ा जरूरत है, बोलेगा उड़ा दी। और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, जरूरत के समय आपने उनको पैसा दिया
वो लोग पैसा रखे और जरूरत पड़ा तो आपको फिर रिटर्न भी कर सकते। मतलब इंडक्टर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, रिटर्न करता है। मतलब करंट, ये जो जो आपके घर में जो पावर सप्लाई लाइन है ना, वहां पर एनर्जी को बड़े तरीके दौड़ते हैं। एक ऐसा एनर्जी दौड़ता है जो रेजिस्टेंस के पास जाता है, वो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो पावर सप्लाई लाइन में कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ फील करो, इसी से पावर की भी डेफिनेशन बदल जाती है, जो पावर में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। क्या ये बात?